एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का शांति प्रस्ताव लेकर के जाएंगे एनएसए। इसी के मद्देनजर एनएसए अजीत डोभाल रूस की यात्रा करेंगे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, अहम खबर है, जहां एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को जाएंगे और शांति वार्ता पर जाकर चर्चा करेंगे। वो जो अजीत डोभाल साहब हैं, जो कि भारत के 007। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे एनएसए डोभाल। यूक्रेन को लेकर के शांति संदेश पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के जाएंगे एनएसए। चीज ध्यान में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं, तो इट मींस कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर। के भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स एंड पीस डील करवा सकता है, यानी जंग खत्म करवा सकता है कोई कंट्री, तो वो इंडिया है। मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद डिप्लोमेसी करते हैं, सो द सेकंड लेवल इज डॉक्टर जयशंकर। अब अजीत डोभाल हैज आल्सो स्टेप्ड अप के सिक्योरिटी के मामला से छोड़ के वो अब ही इज लाइक बिहेविंग एज इफ इंडिया नाउ हैज टू फॉरेन मिनिस्टर्स ना। इंडिया वाकई इसके अंदर पीस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। एस जोन के विजिट्स हैं वो कोई आम विजिट्स नहीं थे। चीज ध्यान में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं, तो इट मींस कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी तो ऑपरेट हो रही है। इट मींस कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मींस कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बंदे निकले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे, और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना, यानी जो करीबियां कुर्बतें और नजदीकियां हैं रशिया और चाइना की, वो किसी वजह से हैं। उस पर ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड्स उनका हमेशा से इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात हों, नहीं, ये किसी वजह से करीब आए हैं, ये अमेरिका के खिलाफ करीब आए हैं, ये जो इस वक्त एक जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसकी वजह से करीब आए हैं, जो रशिया पे सैंक्शंस लगी उसकी वजह से ये कुर्बतें बढ़ी हैं चाइना और रशिया के बीच। लेकिन रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाइना और रशिया और इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड रशिया कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए इसमें इंडिया ही एक बड़ा ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है दुनिया में कि जो ये कर सकता है। पुटिन स्टेटमेंट कम्स मंथ्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को एंड रीसेंट विजिट टू यूक्रेन। और इंडिया का जो स्टैंड है उसके अंदर ऑन गोइंग वॉर पर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्टेटेड दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ पीस। ये भी एक बड़ी बात है इसके अंदर कि बेशक वो ब्राज़ील का नाम लें या वो चाइना का नाम लें, अगर किसी ने ये बात कही है कि ये दौर, ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो, अगर बर्मला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अपनी किसी कंट्री के साथ दोस्ती ताल्लुकात कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, जंग में बच्चे मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, मासूम मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बेगुनाह जुल्म किया जाता है जालिम तो बड़ा हमें जो है दर्द होता है, तो ये नहीं हो सकता, और ये जो रहा है ये तरक्की का है ये उसका है नहीं, वो सिर्फ इन्होंने कहा है। वो प्रेजिडेंट शी की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट कभी नजर नहीं आई खुल के धड़ल्ले से, और ना ही ब्राजील के लीडर्स की तरफ से ऐसा। तो इससे लगता है कि इंडिया ही जो है वो एक प्लेयर ऐसा नजर आ रहा है। तो ये जनाब ये बड़ी एक खबर, अहम खबर है इस जंग को बंद करवाने के लिए, अगर हम सोचें खत्ते में रीजन में या असल में दुनिया में पीस के लिए जो है ये बड़ी अहम खबर है। फिर इसके अंदर जो है ये बताया गया है कि यूक्रेन जो है अन जो
वो खैर जंग की जो डिटेल्स हैं उसके ऊपर तो हम बात करते ही रहते हैं, उसके ऊपर क्या बात करें। जो अब ये जो है ना, ये बताता है कि ये सब हो सकता है, भारत जो है इसके अंदर कोई प्ले कर सकता है बड़ा रोल। और मुझे लगता है कि ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। राइट, सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट। देखिए, जब आप किसी के साथ डील कर रहे हैं ना, अगर आपकी ऑपोजिट पार्टी में कम बंदे हैं जिसके साथ आप डिसीशंस ले सकते हैं क्रिटिकल, तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता। राइट, फॉर एग्जांपल जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई किससे बात करें, कौन ऐसा जिम्मेदार शख्स है हु कैन डिलीवर फ्रॉम देयर साइड। तो यहाँ पर दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। यस, दोवल और जयशंकर अल्टीमेट डिसीशन मेकर्स नहीं है, बट दे आर सो रेस्पेक्टेड बैक होम के वो इमीडिएटली दे कैन गेट इन टच विद द प्राइम मिनिस्टर। और दोवल साहब तो 2014 से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आप देखें कंटिन्यूटी जो मेंटेन की हुई है, सो ही नोज अ लॉट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, मतलब उनसे ज्यादा जानने वाला और कोई नहीं होगा। एक सेकेंड, तो उनसे ज्यादा जानने वाला और कोई नहीं हो सकता इस मामला में। और जब चीजें वो डिस्कस करने आए थे वॉशिंगटन में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड अ मीटिंग विद एंटनी ब्लिंकन, के साथ भी मुलाकात हुई, आपने फोटो ऑप्स देखे होंगे। यू नो, इट वाज आई थिंक उन दौरान बिलावल भुट्टो भी यहाँ आए हुए थे, थोड़ा पहले आए थे। हाँ, तो बट यू डिडंट सी दोज काइंड ऑफ फोटो ऑप्स विद एंटनी ब्लिंकन वगैरह जिस तरह से आपने डोवल के साथ देखे। दूसरी चीज ये है, ये पता चला है चंद मीडिया रिपोर्ट से कि न्यूयॉर्क को तेल इंडिया से आ रहा है, वही रशियन ऑयल जो इंडिया रशिया से खरीद रहा है और उसको फिर रिफाइन कर रहा है, सेलिंग क्या कुछ 80,000 बैरल्स भेज रहे हैं न्यूयॉर्क को पर डे के हिसाब से मेरे ख्याल से। सो द ऑयल इज कमिंग टू द US एंड टू यूरोप, और सो वो सवाल भी नहीं उठता। फिर उसके बाद अजीत डोवल साहब लंदन गए, जहाँ पे काफी ऋषि सुनाक ने थोड़ा यू नो ही क्रिएटेड दिस होल के वो मीटिंग एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट। अगर तो मीडिएशन इनडायरेक्ट आप कहें, तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि वो मॉस्को गए तो वहां पे जाके उन्होंने उनको कह दिया कि जंग बंद करें, वो अब यूक्रेन जाएंगे वहाँ पे जाके वो कह देंगे जंग बंद करें, अच्छी बात नहीं है। तो ये पैगाम दोनों कंट्रीज़ तक पहुँचाना या एक ऐसा दरवाज़ा खुला रखना जिसमें दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आपसे खुल के बात कर सकें और अपनी रिजर्वेशंस भी आपके सामने रख सकें और आपकी बात सुने भी और हो सकता है मान भी लें। अगर आप ये वो वाली मीडिएशन समझ रहे हैं कि जिसके अंदर मोदी साहब जाएंगे और कहेंगे कि भाई मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि बस करो और मैं जंग रुकवाना चाहता हूँ, मैं सालिस बनता हूँ बीच में, मैं सालिसी करवाता हूँ या मैं मीडिएटर के तौर पर काम अंजाम देता हूँ और मैं मीडिएशन करवाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि भारत की पॉलिसी इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है।